हेलो स्टूडेंट्स, हमारे वीडियो की सीरीज़ में इलस्ट्रेशन 4 का ये वीडियो है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर है। स्नेहा रिसीव्ड मेगाज एक्सेप्टेंस फॉर 15,000। तो स्नेहा को मिला, मतलब स्नेहा ड्रॉअर है। बिफोर ड्यू डेट ऑफ द बिल मेगा अप्रोचेस स्नेहा विथ अ रिक्वेस्ट टू एक्सेप्ट 5,000 एंड ड्रॉ अ फ्रेश बिल ऑन हर for the balance for 3 months including interest at the rate of 8%. तो एक्चुअली कितना पैसा देना था? 15,000 रुपये देना था, पर ड्यू डेट के पहले मेघा गई स्नेहा के पास और बोला, देखो 15,000 तो मैं पूरा दे नहीं पाऊंगी, अभी है नहीं मेरे पास, तो एक काम करो, आप 5,000 रुपया अभी पार्ट पेमेंट आप ले लो और जो बैलेंस 10,000 बचता है उसके लिए एक नया बिल बनाते हैं और वो 10,000 रुपये मैं आपको इंटरेस्ट देने के लिए भी रेडी हूँ। इंटरेस्ट कितना? 8% पर एनम फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 3 मंथ्स। स्नेहा अग्रीज एंड ड्रॉज अ फ्रेश बिल विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय मेघा। ऑन द ड्यू डेट मेघा मीट्स द बिल, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ स्नेहा, स्नेहा मतलब हमारी ड्रॉअर है, एंड प्रिपेयर स्नेहाज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मेघा। तो मेघा के बुक्स में स्नेहा का सिर्फ लेजर अकाउंट पूछा है, वहां पे जर्नल एंट्री नहीं पूछा है, स्नेहा के बुक्स में जर्नल पूछा है, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इन द बुक्स ऑफ स्नेहा, पहला एंट्री होगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होगा और मेघा का अकाउंट क्रेडिट होगा 15,000 से। अगेन स्टूडेंट्स ध्यान देना, इस क्वेश्चन में परचेज और सेल का कोई ट्रांजैक्शन दिया नहीं है, तो जब आप लेजर अकाउंट बनाओगे तो सबसे पहले बैलेंस लिखना जरूरी है, ठीक है। अभी मेघा का बिल रिन्यू हो रहा है, अब रिन्यू हो रहा है तो अगेन स्टूडेंट्स ध्यान देना, जो ओरिजिनल बिल है वो डिसऑनर हो गया ना, एक्चुअली डिसऑनर नहीं हुआ क्योंकि दोनों ने मिलके ये अग्री किया है कि अभी कुछ नया टर्म्स है, पर पॉइंट ये है कि पहले बिल का पेमेंट तो नहीं हुआ, तो आपको एंट्री करना पड़ेगा। हम इधर डिसऑनर वर्ड नहीं लिखेंगे पर कैंसिल वर्ड लिखेंगे। तो क्या लिखा है देखो नरेशन में, बीइंग मेघाज एक्सेप्टेंस कैंसल्ड ऑन रिन्यूअल। एंट्री तो डिसऑनर का ही है, सिर्फ नरेशन का वर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो इट इज मेघाज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 15,000। जो ऊपर एंट्री पास किया ना उसका ही रिवर्स एंट्री होगा। अब मेघा से हमें इंटरेस्ट लेना है, यहां पे देखो कैलकुलेशन किया है, मेघा से कितने पैसे लेने हैं, अमाउंट रिसीवेबल है 15,000, उसने अभी 5,000 रुपया दिया, अब बैलेंस कितना बचा 10,000। तो 10,000 पे 8% यानी 10,000 इंटू 8% इंटू 2/12, आप इसको सॉल्व करोगे अगर तो 200 रुपया इंटरेस्ट हमें मिलेगा। तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा तो हमारे लिए इंटरेस्ट इनकम है और इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट है, तो हम इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये इंटरेस्ट देगा कौन? ऑफकोर्स मेघा देगी, तो मेघा को डेबिट करेंगे। तो इंटरेस्ट का एक अलग एंट्री हमें करना पड़ेगा, विच इज मेघाज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 200 रुपीज, ठीक है। अब टोटल आप देखो तो 15,000 जो ओरिजिनल लेने थे वो, और प्लस 200 रुपए का ये इंटरेस्ट। तो अभी मेघा से कितने पैसे लेने हैं? 15,200, जिसका वो 5,000 अभी पेमेंट कर रही है और बाकी 10,200 का नया बिल बना के दे रही है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, इधर वो लोग हमेशा क्वेश्चन में गड़बड़ करते हैं, चेंज करके देते हैं, कभी कभी इंटरेस्ट अभी दे देंगे मतलब कैश के साथ, कभी कभी इंटरेस्ट बिल में ऐड हो जाएगा। तो आपको इसके लिए वर्डिंग्स क्वेश्चन का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अभी ये केस में इंटरेस्ट बाद में मिलने वाला है, बिल में ऐड होने वाला है। तो कैश अकाउंट मिला 5,000, बिल रिसीवेबल हो गया 10,200 और टू मेघा क्रेडिट हो गई 15,200। क्वेश्चन में लिखा है बिल एंड में ऑनर हो गया, तो उसका एंट्री होगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 10,200, ठीक है। ये हो गया एंट्री इन द बुक्स ऑफ स्वाति। आइए देखते हैं मेघा के बुक्स में क्या एंट्री, स्नेहा के बुक्स में था, अब आते हैं मेघा के बुक्स में क्या एंट्री होगा। तो मेघा के बुक्स में स्नेहा का अकाउंट, तो सबसे पहला जो हमने बोला कि 15,000 रुपया आउटस्टैंडिंग है, तो बाय बैलेंस सबसे पहले लिखना पड़ेगा 15,000। क्वेश्चन में डेट्स दिया नहीं है तो वो कॉलम ब्लैंक रहेगा। अब हमने बिल दिया,
हम मतलब अभी मेघा हैं, तो मेघा ने बिल एक्सेप्ट किया, तो जर्नल एंट्री होता है स्नेहा टू बिल्स पेएबल, तो इसलिए स्नेहा के अकाउंट में हमने यहाँ पे टू बिल्स पेएबल लिख दिया 15,000 रुपया। इसके बाद अभी बिल डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर हुआ तो वापस वही एंट्री बिल्स पेएबल टू स्नेहा, तो स्नेहा को क्रेडिट किया 15,000 रुपये। इंटरेस्ट हमें लेना, हमें पे करना है, मेगा हैज टू पे इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि वो नॉमिनल अकाउंट है, और ये इंटरेस्ट किसको देना है, स्नेहा को देना है, तो जर्नल एंट्री होता है इंटरेस्ट टू स्नेहा, तो स्नेहा के अकाउंट में 200 रुपये हमने क्रेडिट किए। अभी ये बिल रिसीवेबल यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे होना चाहिए टू कैश या बैंक। तो हमने स्नेहा को 5,000 रुपये दिए और एक नया बिल साइन किया, तो स्नेहाज अकाउंट डेबिट 5,000 रुपीज, ये भी गलत है। टू बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, जर्नल एंट्री में लिखता हूँ फिर यहाँ पे पोस्टिंग करते हैं, स्नेहा अकाउंट डेबिट होगा 15,200 से, टू कैश बैंक होगा 5,000 रुपये से, और टू बिल्स पेएबल होगा 10,200 से। तो स्नेहा के अकाउंट में ये 5,000 कैश बैंक हुआ और 10,200 बिल्स पेएबल हुआ, तो ये स्नेहा का अकाउंट टैली हो गया। जो बिल ऑनर होगा उसका एंट्री स्नेहा के अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि बिल ऑनर का एंट्री होता है बिल्स पेएबल टू कैश बैंक, तो यहाँ पे स्नेहा के अकाउंट में उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो आप देख सकते हो स्नेहा का अकाउंट टैली हो गया, क्योंकि एंड में अभी ना कुछ पैसे लेने हैं ना कुछ पैसे देने हैं। तो ये था हमारा सोल्यूशन इलस्ट्रेशन 4 का। आपको अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन रेगुलरली। थैंक यू सो मच।